हम झूले पे अब बच्चों के साथ हम भी थोड़ा यहाँ पे खुशी मनाएंगे। अब ये स्टार्ट होगा तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो आप सबसे पहले हम ना उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा जाएंगे ईदगाह में, वहाँ जाके करेंगे ईद की नमाज़ अदा। तो अब जाके हम सीधा मिलते हैं ईदगाह में। तो आ गए हम अपने ईदगाह में। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाती है। ईद की नमाज पढ़ ली, खुशी और खुशी के साथ अब निकल गए हम सब अपने घर की तरफ। तो ये लोग अब सब घर की तरफ निकल रहे हैं। सब ऐसे में तो भाई लोग आ गए हम अपने राइडर सेटअप में। तो कुछ ईद की जो काम थे, पेंडिंग काम थे, वो हमने निपटा दिया। कुर्बानी करनी थी तो गोश्त पहुंचाना था रिश्तेदारों के यहाँ, वो काम सारे मैंने ख़त्म कर दिए। तो आप निकलते हैं राइड पे। तो आप जा रहे हैं थोड़ा अंदर बुग, एक छोटी टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ इस टाइम बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम भी जाके वहाँ का नज़ारा देखते हैं। आप ही बने रहे मेरे व्लॉग में। तो आइए निकलते हैं, आप सीधा जाके मिलते हैं अपने बाइक पे। तो आ गए अपने बाइक पे, तो निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले तो अपनी ना निकल, और रास्ता ही बंद है। अब निकलना पड़ेगा यहाँ से, गाड़ी किसी ने सामने लगा रखी है। तो पहले गाड़ी पीछे लेगा, उसके बाद ही निकलना पड़ेगा। अपना दौर अभी तो यहाँ मार्केट बंद है, लेकिन जो दोस्त है वो इस मार्केट से ना 1 किलोमीटर से दूरी है। उसके कारण आज आपको अक्सर यहाँ का मार्केट बंद ही है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। आपको अंदर घूमना दिखाई देती है इंसान का, वहाँ बहुत जल्द बैठने वाले हैं। वहाँ का आपको आज पूरा नज़ारा करवाएंगे। और ना मुझे लग रहा है 50% लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। तो इस टाइम 6 बज के हम काफ़ी देर सकते कहीं जा कर बता रही है। घर में बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो पहले अपना काम वो ख़त्म किया, उसके बाद ही निकले। तो पहले घर का जो काम था वो आज जिम्मेदारी थी वो निभाई, उसके बाद ही हम निकले आपने आज के सफ़र के लिए। अभी हम जो है ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। अब देखते हैं लोग कितने होंगे यहाँ पे। गाड़ी में देख के मुझे लग रहा है ना काफ़ी भीड़ लग रही है यहाँ। नहीं यार, अभी भी बहुत लोग यहाँ पे हैं यार। मैं सोच रहा था लोग ना वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लोग यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड यार, इतने लोग यहाँ आते हैं यार।
आज पता चला कि अंदरपुर वाकई एक टूरिस्ट प्लेस बनने जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, इस जगह को एक्सप्लोर करें। तो मैं भी अपना बाइक आगे किस जगह पारे करके ना आपको इस जगह का नज़ारा दिखाता हूँ। ड्राइवर ने ऐसा ब्रेक दिया ना, साले ने जान ही निकाल दी। तो अब मैं आपको ना आगे का नज़ारा दिखाता हूँ, आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। एक्सपेक्ट किया मैंने, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग यहाँ पे होंगे। चलो अच्छी बात है, जितने लोग यहाँ आएंगे, जितने ज़्यादा यहाँ आते रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे देवर का ही फायदा है, क्योंकि जितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएंगे उतनी ज़्यादा हमारी भी इनकम बढ़ती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा लोग यहाँ पर आके ना इंजॉय करते हैं, ज़्यादा आके नहीं तो मैं यहीं पर अपना बाइक पार कर लेता हूँ। तो आप चेक कर सकते हो यार, इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आगे जाके लोगों से भी बात करेंगे कैसा मज़ा आया लोगों को यहाँ पे। तो हम ना घर से लेट ही निकले, तो इंशाल्लाह लेकिन अच्छा टाइम है इस टाइम। तो आगे हमारे ना एक जगह लगा हुआ है, तो उसका मैं थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ। हम झूले पे अब बच्चों के साथ हम भी थोड़ा यहाँ पे खुशी मनाएंगे। अब ये स्टार्ट होगा तो मजा आने वाला। ये है मेरा यहाँ का एक दोस्त समीर नाम है। झूला स्टार्ट हो गया। मुझे ना ऐसी जगहों पे यार डर लगता है कि मुझे यहाँ चक्कर आ जाते जी। मुझे चक्कर आ गया कसम से सर, बहुत चकरा रहे। परवेज साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुछ फ्रेंड लोग यहाँ पे मुलाकात हुई इनसे, तो आगे एक रैपर आया तो उनसे मुलाकात करते हैं, देखते कोई रैपर आया हुआ है। रैप सॉन्ग इज रैपर एंड आई जस्ट हैव राइट इट बाय माय ओन टू जस्ट फील द वाइब। मैंने मम्मी को बोला मैं बनूंगा रैपर, क्या वकी मैं नहीं बन पाया टॉपर। सब लोग आज मुझको बुलाते मैं लॉफर, पास में 500 गाना है हॉर्ड। इस दुनिया में हर एक का है गौर, वो चाहते थे मुझको मैं जाऊँ एक्सप्लोर। न जाने के विंटर में फील होता कोल्ड, क्रैक मेरी वॉइस बेहोकर क्रेजी। फैन मेरे बॉयस मेमोरीज इनकी हेजी, वो करते सिर्फ नॉइस फूल जेरे चेहरे लुकिंग लाइक जेजी। अकल से वो बहरे, मैंने जिसे देखा उसे कभी नहीं खुलाता। मेरा दिमाग जैसे किताब मैं कभी नहीं खुलाता। तो ये कुछ दोस्त मिले थे यहाँ पे, तो इन्हीं के साथ बैठा, तो इन्होंने बताया कि थोड़ा यहाँ बैठ के ना आपस में बातें करते हैं। तो ये देखो ये बैठे हैं सब लोग यहाँ पे, सब हाय करो और शेयर करना। तो आज शाम हो गई है, तो हम भी निकल गए अपने घर की ओर। जरूर ऐसे सर, शाम का टाइम हो गया तो हम निकल जाते हैं घर की ओर। अब जाके सीधा यहाँ से बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया, काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे, बहुत लोगों के साथ यहाँ पे मिला भी, बहुत लोगों के साथ बात भी की। तो आप सीधा जाके इंशाल्लाह आप घर में मुलाकात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया तो आप निकल जाते हैं। तो वो भी आ गए अपने घर वापस। आज दिन में बहुत मज़ा आया, इतना एंजॉय किया, क्या बताऊं यार आपको। आप सीधा बाइक करते हुए अंदर जाके पारे, तो उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो फिलहाल मुझे बाइक अंदर पारे कर देते हैं। तो बाइक हमने पारे कर दिया है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट अच्छे अच्छे व्लॉग में आपको देता रहूँगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर हर चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा, जो लोग आप देखना चाहते हो। और कमेंट में आप ये बताओ अगला राइड कहाँ पे करूँ, तो इंशाल्लाह
मंडे के बाद मैं लोलाब राइड स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे।